दोस्तों आप सभी का स्वागत है जी एजी वसीम चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम इन्फिनिक्स हॉट 11S या कोई भी आपके पास इन्फिनिक्स का फ़ोन हो जिसमें आप फुल डिस्प्ले फ्री फायर को प्ले नहीं कर पा रहे हैं तो गाइस उसमें कैसे आप फ्री फायर को फुल डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे ट्रिक और वीडियो भी दिया है जिसमें गाइस सक्सेसफुली वर्क नहीं किया, कुछ फ़ोन्स में वर्क किया लाइक इन्फिनिक्स हॉट 10 में वर्क किया था तो वो मतलब सही चल गया, लेकिन और फोन्स यानी कि इन्फिनिक्स हॉट 11S में भी वो वर्क नहीं करता है। सो गाइस आज की इस वीडियो में वही हम ट्राई करने वाले हैं। और बेसिकली ये मेरा ट्रिक नहीं है, ये एक भाई का ट्रिक है जिनका चैनल का नाम है गाइस यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट ट्रिमर्स करके। और गाइस इन्होंने एक कमेंट किया था कि ऐसे ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे इन्हीं के ट्रिक को मैं यूज़ करने वाला हूँ और इन्होंने दो ट्रिक बताया है तो देखेंगे कि कौन सा वर्क करता है, फर्स्ट या सेकंड, कोई भी वर्क कर ले। सो दोस्त देखते रहिए वीडियो का एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो में इन्होंने क्लियरली बताया कि ये फ़ोन रूट नहीं है, तो गाइस मेरा भी वैसे रूट नहीं है और वो अपने फ़ोन को भी बताएं कि क्लियरली रूट नहीं है, बिना रूट के भी फुल डिस्प्ले किया जा सकता है। कैसे, और फोन में जाएंगे यहाँ से गाइस बिल्ड नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक आपको डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सिंपली यहाँ पर सर्च करेंगे डेवलपर करके, सो गाइस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें इन्होंने जो सेटिंग बताया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले कट आउट करके, ओके। सो गाइस इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ हमें कितना ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे डिवाइस डिफॉल्ट 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वाटरफॉल कट आउट तक। बट इनके फ़ोन में गाइस यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे ऑप्शन है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शन है और लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे नॉच क्लियर करके भी ऑप्शन आ रहा है जो कि हमारे फ़ोन में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये ट्रिक बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगा जब इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है, जैसे कि नॉच क्लियर वाला ऑप्शन ही हमारे फ़ोन में नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि इनका जो ट्रिक है वो नॉच क्लियर पर क्लिक करने के बाद ही कुछ वर्क कर रहा है। सो पहला जो ट्रिक है वो बिल्कुल ही वेस्ट गया गाइस, यहाँ पे पहला ट्रिक वर्क नहीं कर रहा है। अब गाइस चलिए नेक्स्ट वाला ट्रिक भी ट्राई कर लेते हैं इनका कि कितना रियल है, ओके। तो गाइस ये वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, उनको बताना चाहिए ना ये ऑप्शन कहाँ से आया नॉच किलर। और ये मैंने जितने भी डेवलपर ऑप्शन में चेक किया है, जितने भी फोन्स में, उसमें ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है नॉच किलर, इतना ही ऑप्शन देखने को मिलता है गाइस। सो गाइस इन्होंने एक कमेंट में लिंक दिया है, एक एप्लीकेशन का नाम है जिसका ऐप क्लोनर करके नाम है, तो उसको हम इंस्टॉल करते हैं मतलब डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली हमने वैसे डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पे क्रोम में जाएंगे यहाँ से गाइस तो डाउनलोड में देख सकते हैं यहाँ पे 77 MB के अप्रॉक्स का देखने को मिल जाता है। जीप फाइल है तो इसको हमको सिंपली अनकंप्रेस करना होगा, ओके। तो ये गाइस हमारा अनकंप्रेस चालू हो चुका है एंड गाइस यहाँ पे फाइनली डन हो गया अनकंप्रेस। जैसा कि आप देख सकते हैं अनकंप्रेस हमने किया तो यहाँ पे आए APK में जाएंगे तो यहाँ पे ये ऐप देखने को मिल जाता है ऐप क्लोनर। आई थिंक ये प्ले स्टोर पे भी है मैंने देखा, सो यहाँ पे ऐप क्लोनर सर्च करते हैं। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐप है, इसका कलर थोड़ा अलग है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ब्लू है, ये थोड़ा आसमानी कलर जैसा। सिंपली इसको इंस्टॉल करते हैं एंड देखते हैं वर्क करता है या नहीं। और ये अभी गाइस 5 MB का अप्रॉक्स है बट ये 12 MB का अप्रॉक्स शो कर रहा है, ओके। तो गाइस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इन्होंने नेक्स्ट स्टेप क्या बताया कि ओपन करना है सिंपली, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं एंड इसको स्किप करते हैं, फिनिश कर दिए। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप ये बताएं कि जो फ्री फायर का या फ्री फायर मैक्स का जो भी आपके पास OBB है, जैसे कि ये हमने ZArchiver ऐप करके एक आता है उसमें से जाकर देख सकते हैं। अगर फाइल मैनेजर में जाने के बाद अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड में जाएंगे OBB जाएंगे तो कुछ भी शो नहीं करता है, तो बेसिकली इसके लिए आपको एक अलग से इंस्टॉल करना होगा कोई ऐप। तो जैसे कि ये हमने इंस्टॉल कर लिया, इसमें क्लियरली शो होता है, जैसे जाएंगे एंड्रॉयड में OBB में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फाइल देखने को मिल जाता है। तो हम इसको कॉपी करके रख लेते हैं ताकि अगर कोई गड़बड़ हो या डिलीट हो जाए तो हम डायरेक्ट पेस्ट कर सकें। तो सिंपली इसको कॉपी करते हैं हम एंड डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ आ जाएगा आई थिंक। सो गाइस ये हमारा कंप्लीट हो गया, मतलब कि ये बैकअप है, अगर फ्री फायर वो डिलीट भी हो जाए बाय मिस्टेकली तो ये वर्क कर जाए, पता नहीं क्या बताएंगे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ओके। ये नेक्स्ट जो बात बताए हैं वो है ये है गाइस कि जैसे कि हमारा फ्री फायर मैक्स इस पर जाना होगा, यहाँ पे गाइस अब जो सेटिंग करना है वो क्लियरली यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या सेटिंग करना है इसमें,
तब जाके ये वर्क करेगा। तो चलिए देखते हैं गाइस, फ्री फायर मैक्स पे क्लिक करना होगा इनके ट्रिक के अनुसार। बाकी उसके बाद यहाँ पे क्लोन नंबर करके ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिप्लेस ओरिजिनल ऐप देखने को मिलता है, इस पर क्लिक कर देना होगा। सिंपली यहाँ से ओके कर देना होगा। अब गाइस यहाँ पे नीचे हमको जाना होगा और यहाँ से गई डिस्प्ले ऑप्शन करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इमर्सिव मोड। ओके, तो सिंपली इसको इनेबल कर देना होगा और यहाँ से गाइस इग्नोर नॉच करके करना होगा। इनेबल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से इग्नोर नॉच कर देना होगा और सिंपली ओके कर देना होगा। अब गाइस यहाँ से आपको बैक कर देना होगा, यहाँ पे क्लोनिंग ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आप जाएंगे तो एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्किप नेटिव लाइब्रेरीज, तो गाइस इसको इनेबल कर देना है। ओके, तो गाइस ये हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ट्रिक ये बताए नहीं है, सिंपली यहाँ से बैक करके फ्री फायर में आ जाना है और यहाँ से ओके कर देना है। ओके, यहाँ से अलाउ कर देंगे एंड यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइस ये 100% तक जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है, 3% अभी हुआ, तो इसको 100 करने दे रहे हैं। फिर देखते हैं कि इसकी ये फुल डिस्प्ले हो पाता है या नहीं। जैसे कि आपको मालूम है कि फुल डिस्प्ले ये तो फ्री फायर चलता है नहीं बिल्कुल ही, लेकिन गाइस यहाँ पे ये करने के बाद चल पाएगा या नहीं, बाकी देखते हैं। ये 100 तक पहुँच पाएगा भी नहीं पता नहीं, 3% पे ही अटका हुआ है, तो जाने देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या करना होगा कि जो मैंने बताया कि OBB को आपको अलग से रख लेना होगा ताकि अगर इनकेस उड़ जाए फ्री फायर, क्योंकि इसके बाद अनइंस्टॉल भी होगा तो गाइस वो इशू आपको देखने को ना मिले। तो सर आपको मैंने क्लियरली दिखाई दिया कि कैसे क्या करना है, OBB फाइल को कैसे कॉपी कर सकते हैं एक्स्ट्रा, ताकि अगर दिक्कत आए तो वो डायरेक्ट मूव कर सकें। सो गाइस यहाँ पे देखते हैं, अभी 89 हो चुका है एंड 100 होने पर मैं आगे बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं वो ऑप्शन आ चुका है, तो सिंपली हमको इंस्टॉल ऐप पर क्लिक करना होगा। ओके गाइस यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया और ये गाइस अब फिर से अन इंस्टॉल पर क्लिक कर देना होगा, जैसे कि वो बताए हैं, सिंपली ओके करते जाते हैं हम। ठीक है गाइस ये हो गया, और सिंपली सेटिंग पे जाना होगा, यहाँ से परमिशन आपको दे देना होगा, बैक करेंगे, यहाँ से फिर से फ्री फायर मैक्स को इंस्टॉल करेंगे। ओके गाइस लेट्स सी ये वर्क करता है या नहीं भाई साहब, तो सिंपली इंस्टॉल हो रहा है। बाकी फ्री फायर का लोगो आप देख सकते हैं, कुछ अजीब नहीं दिख रहा, बाकी इंस्टॉल कम्प्लीट हो चुका है। यहाँ पर फ्री फायर का जो गरेना दिख रहा था वो गायब हो चुका है। आगे इस यहाँ से डॉन कर दें एंड यहाँ पे देख सकते हैं लोगो अभी भी वैसा ही दिख रहा है, तो आई थिंक पता नहीं, चलते हैं गाइस अब यहाँ पे ओपन करते हैं। और भाई साहब फुल डिस्प्ले ये बोले, लेकिन ये तो भाई हाफ डिस्प्ले चल रहा है, अरे भाई अजीब दिखा, अभी मुझे लगा ये नीचे का इतना गायब हो गया क्या। चलिए गाइस यहाँ पे सिंपली अब ओपन करते हैं एंड लेट्स सी भाई साहब इतनी मेहनत के बाद ये वर्क कर जाए तो ना कमाल की बात होगी, बट देखते हैं वर्क कर जाए भाई। फाइनली भाई ये OBB डाउनलोड हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट मूव कर देते हैं उसमें। ओके, सो गाइस अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना कि वो आप कॉपी करके रख लीजिएगा, काफ़ी यूज़ में आएगा, तो सिंपली देख सकते हैं अभी हमको जाना होगा इस फाइल में ZRCiver में एंड यहाँ पे हमने कॉपी करके रखा है जैसे कि आप देख सकते हैं मैन, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हमको कट करना होगा। कट करने के बाद यहाँ पे हमको जाना होगा एंड्रॉयड में OBB में एंड यहाँ पे हमें फ्री फायर मैक्स दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो दिख रहा है इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा पहले, तो अभी तो नहीं कर पाएंगे, पहले बैक करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पे बैक करते हैं हम और गाइस यहाँ पे अब चलेंगे एंड्रॉयड में OBB में एंड यहाँ से फ्री फायर मैक्स इसको डिलीट करना होगा, तो सिंपली यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। ओके, अब गाइस यहाँ से बैक करते हैं, नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट गाइस एंड्रॉयड में जाएंगे, फिर OBB पे क्लिक करेंगे, फिर फ्री फायर मैक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से गाइस सिंपली हमको पेस्ट कर देना होगा। सो गाइस यहाँ पे पेस्ट हो रहा है एंड पेस्ट होने के बाद ओपन करेंगे, भाई देखते हैं क्या वर्क कर पाएगा ये। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका कॉपी पेस्टिंग का काम। अब सिंपली गाइस यहाँ से सभी को क्लियर करते हैं रैम को एंड फिर से फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हैं एंड देखते हैं भाई ये फुल डिस्प्ले चलेगा या नहीं। भाई आई थिंक कि चल जाना चाहिए, क्योंकि जो डाउनलोड हो रहा था वो फुल डिस्प्ले में हो रहा था, नहीं तो पहले हाफ डिस्प्ले। ओ भाई साहब, बाकी पता नहीं भाई ये हैक होगा या नहीं, पता नहीं मतलब ID बैन होगी या नहीं, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। बाकी यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं भाई फुल डिस्प्ले में चल रहा है फ्री फायर तो फर्स्ट टाइम, लेकिन गाइस ये देख सकते हैं बग, गेम से ही हमें बाहर फेंक दिया। फिर से ओपन करते हैं, लेट्स सी ये बग है ये फिक्स होगा या नहीं। ओके ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे एक इशू भी आ चुका है, देख सकते हैं लॉगिन करने पे ये लॉगिन फेल्ड कर दे रहा है भाई, लॉगिंग आउट करने को बोल रहा है जबकि, और ये गेम से भी बाहर फेंक दे रहा है,
तो गाइस फुल डिस्प्ले तो हो गया बट कोई काम का नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लियरली गेम से बाहर फेंक दे रहा है। फिर से एक बार लास्ट टाइम ट्राई कर लेते हैं, तो गाइस कोई खास यूज़ नहीं हो पाया, मतलब फुल डिस्प्ले हो जाए और फ्री फायर चले ही नहीं तो क्या फ़ायदा। बट गाइस ट्रिक तो वर्क किया, जैसे कि आपने देखा कि फुल डिस्प्ले में चल तो रहा है, बट वही बात है भाई कि फ्री फायर आप प्ले नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सो यहाँ पे गेस्ट मोड पे आप क्लिक करते हैं ताकि पता ना चले कि भाई लॉग इन नहीं हो रहा है, तो गेस्ट मोड में देख लेते हैं कि चलता है या नहीं। तो गेस्ट मोड में तो भाई हो गया, बाकी देखते हैं गेम सेटअप करके। सो लाइव ही सेटअप करते हैं ताकि देखेंगे गेम से बाहर फेंकता है या नहीं। ओके सो सभी सेटिंग्स वैसे ही हम कर देते हैं, डायरेक्टली क्लिक करते हैं। ओके चल भाई जल्दी से हो जाए, उसके बाद देखेंगे फिर से सेटिंग से लॉग इन करके। बट वही दिक्कत है भाई, ये फ्री फायर से आपको बाहर ही फेंक दे रहा है, तो बिल्कुल ही यूजलेस है ट्रिक ये भी भाई। बट गाइस फुल डिस्प्ले चल रहा है, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं, मे भी अगर वर्क कर जाए तो अच्छी बात है, ना वर्क करे तो फिर से अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। और गाइस यहाँ पे जैसे कि पता है कि आपके पास फिर से इंस्टॉल करके वैसे ही इतना में प्ले करना होगा, मजबूरी है भाई साहब। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आई थिंक कि गाइस ये बैन भी हो सकता है आईडी, जब ये गेम से ही बाहर फेंक दे रहा है और यहाँ पे आइकन भी शो नहीं कर रहा है, तो इसमें तो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है क्लियरली, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।